तो एक तस्वीर ये थी जो आप देख रहे थे, पहलवान अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंचे हैं। और एक तथ्य ये भी है कि मोदी सरकार अपनी कामयाबी के 9 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। इंडिया टीवी ने इन 9 सालों पर मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों से बात की है। इस वक्त भी हमारे साथ एक खास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरदीप जी आपका इंडिया टीवी पर। मोदी सरकार 9 साल पूरे कर रही है और इस 9 साल में एक सबसे बड़े काम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है नए संसद भवन के उद्घाटन की, जिसे आप नए भारत की पहचान बता रहे हैं, नए भारत की तस्वीर बता रहे हैं। लेकिन क्या वजह रही कि इस नए भारत की तस्वीर में आप लोग तो गए लेकिन आपके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया, विपक्षी दलों ने इसे नकार दिया? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बेसिस पे कह रही हैं कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं तो वहां था, मैंने देखा देवेगौड़ा जी बैठे थे। देवेगौड़ा जी के अलावा हमारे बीजू जनता दल के लोग बैठे थे, कई ऑपोजिशन पार्टीज थी, कई ऐसी पार्टीज थी जिनके पहले हमारे साथ गठबंधन था पर अभी नहीं है, सुखबीर बादल जी बैठे थे। तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने फैक्ट्स कर लीजिए। कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने चाहा कि इसका विरोध किया उन्होंने, और उन्होंने विरोध इसको राजनीतिक कारणों के कारण किया। तो मैं आपसे ये मेरी सबमिशन आपको ये है कि एक ग्रैंड ओपनिंग थी नए पार्लियामेंट की, पर हमारी जो 9 साल की हमारी अचीवमेंट्स हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट नया नहीं है, पार्लियामेंट नया इज वन ऑफ दी मेनी अचीवमेंट। मैं आपको बताता हूं, आपको ले जाता हूं सोशल सेक्टर में, आप चलना चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, किसी भी चीज एरिया में देखिए, आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ से अधिक आवास शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लाभार्थियों को के लिए सैंक्शन किए गए हैं। आप आयुष्मान भारत योजना देखिए, जिसके तहत हर वर्ष हमारे जो बहन भाई हैं जिस जो बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, उन लोगों को 5 लाख रुपए की सुविधा एक साल में इलाज करवाने के लिए, दवाइयों के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए। उसके अलावा आप देखिए कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे हमारी रेड़ी पटरी वाले जो हमारे बहन भाई हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स, वो महामारी के दौरान वो कितने वल्नरेबल थे क्योंकि उनको जाके लोन लेने पड़ते थे एट एग्जॉर्बिटेंट रेट्स। उनके उनमें से कोई 40 से 50 लाख लोगों को लाभ मिला है, और वो जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम है वो समय से पे कर दें तो उनको क्रेडिट भी नहीं मिला। पहला लोन 10,000 रुपए का, दूसरा 20,000 रुपए का, अगला जो है 50,000 रुपए का। तो 80,000 रुपए की एक एंटरप्रेन्योर जो रेड़ी पटरी जो खाने का काम ऐसा काम करते थे वो एकदम मेन स्ट्रीम सिस्टम से जुड़ गए, उनका डेटा लेके गया है। और उसके अलावा आप देखिए बाकी जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं, उनका उनको लाभ भी मिल गया। तो मैं आपको अक्रॉस द सेक्टर्स ले जा सकता हूं, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले साल 30% ये हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हुआ। तो आप जितनी सड़कें बनी है यहां पे, हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है 2014 तक 1947 से लेके 74 एयरपोर्ट थे, अब 74 अधिक बन गए एयरपोर्ट। तो ऐसा है मैडम कि मैं समझता हूं कि 9 साल में जो काम हुआ ये पिछले हमारी जो इतिहास है पोस्ट 1947 ये काम नहीं हुआ है, और अगले समय के लिए इसने बहुत अच्छी नींव रखी है और भी डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल, देखिए 9 साल की उपलब्धियां मौजूदा सरकार गिना रही है, तमाम मंत्री गिना रहे हैं, लेकिन सरकार उस जो विपक्ष है कांग्रेस है वो उस 9 साल की उपलब्धियों पर 9 सवाल भी पूछ रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा अहम है महंगाई का मुद्दा कि महंगाई क्या आप लोग कम कर पाए, महंगाई को कितने हद तक आप लोग कंट्रोल कर पाए। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, आप हमारा इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए और विश्व भर में देख लीजिए। और पेट्रोल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ क्योंकि वो फ्यूल की बात करते हैं। हमने पिछले साल एक साल से लेकर अप्रैल 2022 से लेकर कोई दाम नहीं बढ़ा, और देखिए केंद्रीय सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो समय 2021 नवम्बर और 2022 मई में दो बार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है। बीजेपी रेल रूल स्टेट्स ने भी अपना वो जो वैट होता है
उसको कम किया। तो इस समय स्थिति ऐसी है, एक तो दुनिया भर में हमसे सबसे लोएस्ट प्राइसेस है, और जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है वहां पर पेट्रोल और डीजल ज्यादातर 10 रुपए ज्यादा महंगा है पर लीटर। तो जो लोग बातें कर रहे हैं महंगाई की, उनको कहिए अपने आप अपने दे शुड लुक देम सेल्व इन द मिरर, देखो वो अपनी स्टेट में क्यों नहीं कम करते हैं। एक कांग्रेस सरकार थी यहां पे महाराष्ट्र में, उन्होंने इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर की ड्यूटी जो है 300% से लेके 150 कर दी, बट जो वो दारू पे कर दी उन्होंने, बट पेट्रोल पे उन्होंने टैक्स वही रखा। तो ये ऐसा है कि अभी हमारे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इन्फ्लेशन रेट, फूड इन्फ्लेशन वो सब नीचे आ रहा है, इसे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बड़े स्पेसिफिक टारगेटेड स्टेप्स लिए हैं। पर जो विपक्ष के रूल स्टेट्स हैं, अब जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है, वहां पे अभी भी द प्राइसेस आर मच हायर बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। महंगाई का मुद्दा इसलिए मैंने हरदीप जी आपसे पूछा क्योंकि कांग्रेस उत्साहित है, कर्नाटक में जिस तरीके की जीत मिली उसके बाद पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रही है और कह रही है कि ये जनता के मुद्दों की जीत थी। आज ही बयान सामने आया पी चिदम्बरम साहब का, कह रहे हैं कि 400 सीटों पर अगर विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारेगा तो आप लोगों की हार संभव है, बीजेपी की हार संभव है। मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है जब चिदम्बरम साहब कुछ कहते हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम मंत्री जी को ये तेल के दाम देखने चाहिए। मैं उनको याद करवाना चाह रहा हूं, जब वो वित्त मंत्री थे और उनके सामने बढ़ते दामों की समस्या थी, तो उन्होंने एक ऑयल बॉन्ड्स नाम की कोई चीज फ्लोट की, जिसमें उन्होंने 1,41,000 करोड़ के बॉन्ड फ्लोट किए, जिसके कारण आज हमें 3.5 लाख करोड़ वापस देने पड़ रहे हैं। ये हमारी पंजाबी में कहावत है, करे पोता ते पुखते, करे नाना और पुखते पोता, मतलब एक्शन ग्रैंडफादर लेता है और उसके अगली दो जनरेशन उसको भुगती हैं। तो ये चिदम्बरम साहब को थोड़ा सा मैं समझता हूं ऐसे बयान देने से पहले, और वो 400 सीटों के बोले भाई साहब, आज स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए वो 10% जिसकी सह, दोनों हाउसेज में मिला के उसके 100 तो मेंबर्स है नहीं, और थोड़ी सी कर्नाटक में जरूर उनको बूस्ट, उनको ईगो को मिली है, पर स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन जो होती है, जनरल इलेक्शन लोकसभा के लिए, वो दे आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस। उधर ममता दीदी भी, हरदीप पुरी जी बार बार ये कह रही है कि अच्छे काम को याद किया जाता है, जब भी 9 साल की बात हो रही है, 9 साल के सरकार की बात हो रही है, तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए अच्छे काम को याद किया जाता है, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए जनता उसको याद रखे या आगे जीत का सेहरा भी पहना पाए। देखिए ऐसा है 9 साल में जो काम हुआ मोदी जी के सरकार में हुआ, 9 साल पहले 2014 में जब उन्होंने दायित्व संभाला तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया भर में 10वें स्थान पे थी, और 9 साल में वो 10वें स्थान से चलते चलते 5वें स्थान पे पड़ गई है, और हमारे जो जीडीपी है 3.8 ट्रिलियन, और हमारे से दो आगे जो इकोनॉमीज है जर्मनी जापान, उनकी शायद 4.1 और 4.3, अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ यही 7% रहा तो हम जर्मनी और जापान से बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। जहां तक ममता जी का सवाल है, उनको कही आप यही कहिए कि आप बड़ी अस्ट्यूट पॉलिटिकल लीडर हैं, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उस पर आप एक टेलीविजन पे अपने चैनल पे अलग से चर्चा रखिए, हम में से कई जो पॉलिटिकल सिस्टम में से जुड़े हुए हैं, हम में से कई लोग उसमें भाग लेना चाहेंगे। एक तरफ 9 साल की उपलब्धियां आप लोग गिना रहे हैं, एक तरफ 9 साल आपकी सरकार का आप लोग जश्न भी मना रहे हैं और जनता के लिए आप लोगों ने कितना काम किया आप ये भी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें भी देखने को मिल रही है। अब केजरीवाल साहब अध्यादेश को लेकर हर जगह जाकर समर्थन भी मांग रहे हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। देखिए केजरीवाल जी को कहिए आप ये देश भर में घूम रहे हैं और लॉबिंग कर रहे हैं, ये आपके मेहनत पता नहीं कितनी सफल होगी, कांग्रेस को तो मना नहीं पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उनका केजरीवाल जी के साथ अनुभव है। 2013-14 पता नहीं कौन से वर्ष में था, ये वो धरना पे लेट गए थे, जब ये पॉलिटिशियंस एक्टिविस्ट बन जाते हैं और ट्रैफिक को वो करते हैं,
मैंने एक मेरी एक किताब है जिसमें इनके इन पे कई आर्टिकल्स हैं। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि केजरीवाल जी को कहें, आप तो आम आदमी हैं, आपने शुरुआत की थी अन्ना हजारे जी के एंटी करप्शन आंदोलन में, आप तो मफलर मैन हैं, आप तो वैगन आर में आगे बैठा करते थे, ये 20,000 स्क्वायर फुट का जो आपने शीश महल बनाया है ये आम आदमी का है, और जो आपके मंत्री लोग शराब घोटाले में जो अभी बंद पड़े हैं, जिनका नाम चार्जशीट में आ रहा है, ये एंटी करप्शन है। और दूसरी बात, ये ऑर्डिनेंस जो है, जितने दिनों में जब वो बात हुई, इतनी देर में आपने रात को 2 बजे या 3 बजे, मुझे याद नहीं है, जिसके कमरे में जो विजिलेंस के इंचार्ज थे अफसर, उनके कमरे में भेज के उनकी फाइलें उठा के फोटोकॉपी या श्रेडर में रह गए, ये तो क्रिमिनल एक्ट्स हैं। और ये जनता उनके सामने आ रहे हैं, वो जिन जो अफसर उनके इशारे पे नहीं चलते हैं उनके खिलाफ ये कार्यवाही शुरू कर देते हैं, तो इनका तो हल पॉलिटिकल सिस्टम में अलग ही किस्म का होगा। हरदीप जी, उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं आप, बड़े फैसलों के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन आप ही की सरकार में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिसको लेकर आप लोगों से भी सवाल पूछे जाते हैं और विपक्ष भी हमलावर है। ताजा तस्वीरें हम अभी दिखा भी रहे थे, वो इशू है पहलवानों का, हरिद्वार पहुंचे हैं आज पहलवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और भी चैनल्स पे जाना है तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं आपसे फिर जुड़ूंगा कुछ देर के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका हरदीप जी। तो देखिए, सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, जिसको लेकर मोदी सरकार जहां एक तरफ जश्न मना रही है, अपनी उपलब्धियों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम सवाल हैं, उन्हीं तमाम सवालों के जवाब अभी हरदीप पुरी साहब ने दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।